इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा सुनो समझो रहो, इसी रस में बहो, आपका जीवन पूजा माला जपू न कर जपू जिह्वा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मलूक बाबा कबीर बाबा कहाँ पूजा है? पूजा तो यार जहाज के उड़ने के समय जैसे जहाज रनवे पर दौड़ता है, पूजा रनवे की यात्रा है। पूजा स्कूटर का भाई जी क्या होता है, जो पहले वो न्यूट्रल पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं पॉइंट के पहले, डॉक्टर साहब क्या होता है मोटरसाइकिल में, पहले न्यूट्रल होता है ना जो पीछे जाता है, बैक गियर होता है, बैक गियर कहाँ होता है मोटरसाइकिल में यार? कार समझे पा रहा है, न्यूट्रल न्यूट्रल कार में, न्यूट्रल बीच में होता है, बीच में और पीछे जो आते हैं पहले एक स्कूटर को पहले बैक लेते हैं या आगे लेते हैं? चलो हम भुला गए हैं, मेरे पास पहले स्कूटर था एक, बहुत चलाया उसको, 5-7 साल चलाया है ना, क्या बोलते हैं नहीं एक्सेलेटर, वो पहले पीछे लेते हैं फिर 3-4 गियर आगे होता है। तो पूजा पूजा पाठ जो है ना वो यही है, पहले ले लो आगे बढ़ाओ स्टार्ट करो, फर्स्ट गियर सेकेंड थर्ड ऐसे चलता रहेगा। जीवन में पूजा अनिवार्य कार्यक्रम है लेकिन पूजा धर्म नहीं है, समझिएगा। लोग पूजा करते हैं पाठ करते हैं और भाई से प्रॉपर्टी का मुकदमा लड़ते हैं, कौन सा पूजा पाठ है? क्या है चंदन पूरी खोपड़ी भर लगा रखे कहाँ जाता आ तारीख कैसे होता, बड़का भैया तो चलत हल्ला, ये कौन पूजा है जी, ये पूजा, ये पूजा नहीं जूझा है, पूजा न कर ऐसा, पूजा नहीं करो नहीं करो, संतों की कृपा चाहिए। जीवन जियो साहब, जाना किसके लिए, जीवन जीने का है। अस कहिराव सहित सुतरानी परे उचरन मुख, बाबा ने बहुत गाया और कहा, सभी कवियों ने अपने अपनी वाणी की पवित्रता के लिए रामचरित्र गाया, मैंने भी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जगिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी करो रघुबीर चरित पार जनेऊ संस्कार व्याह संस्कार, अरे इसका उत्साह सुनकर समझकर जो गाएगा आनंद में रहेगा, श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सदा सुख वर्धन होगा। सियर भुवेर विवाह जेस प्रेम गावहिं सुनहिं तिन कहूँ सदा पूछा मंगलायतन राम। जो प्रेम पूर्वक गावहिं सुनहिं
श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव को उनका उत्साह वर्धन होगा। क्यों? भगवान का यश मंगल का घर है। मंगलायतन राम जस। लिखा है महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत नर लहि नर बिरति विवेका, जे सप्रेम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सप्रेम उत्तरकांड, सप्रेम विवाह महोत्सव पूर्ण हुआ। चूंकि विवाह महोत्सव के पावन संकल्प पर यह कथा रखी गई है, इसलिए हमको आज्ञा हुई श्री ठाकुर जी की कि हमारा उत्सव आप पूरा गा दो, उसके बाद तो सब गाते रहना। देखिए उत्सव है, इसलिए मैं वनवास की कथा आपको कल सुनाऊंगा। भगवान ने लोक मंगल के लिए अवतार लिया, लोक कल्याण हो। यद्यदा चरत षष्टस तत् देवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए एक भी कर्म शेष नहीं है। मैं कर्म करूं न करूं, करता हूं तो लिप्त नहीं होता, न करूं तो करना शेष नहीं। फिर भी लोक अनुसरण करेंगे, लोक अनुसरण करेगा, इसलिए हमको कर्म करना पड़ता है। आप कितने भी ब्रह्मवेत्ता हैं तो भी अपना कर्म कांड का कर्म रोके ना, उसको करते रहें, लोगों को प्रकाश मिलता है, लोगों को पथ प्राप्त होता है। हम जैसा करेंगे लोग करेंगे। आचरण में चरे लोग करें। भगवान ने लोक मंगल के लिए स्वयं देवताओं को प्रेरित करके अपने को वन में पहुंचवा लिया। क्या भया इसका स्मरण हम लोग कल करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं चूंकि क्रम के कारण से आज केवट भैया का स्मरण होना था, तो आपको कई बार अनेक बार आपने सुना है केवट साक्षात भगवान के प्रेम स्वरूप है। मुझे ये भाई बहुत भाता है साहब, हर व्यक्ति आपसे सर्वस नहीं कर सकता। आप सब लोग गृहस्थी हैं, घर में वही बच्चा आपसे सर्वस कर सकता है। सरबर, सरबर समझा था ना, जबरदस्ती जे आपका बहुत प्रिय हो सके। जो आपका बहुत प्रिय होगा वो आपसे जिद करके जो चाहेगा सो करवा लेगा। प्रियता प्राप्त करने के लिए गलना पड़ता है। यूं कोई किसी को प्रेम नहीं करता साहब, अपने मन को मारना पड़ता है, उसी के मन से चलना पड़ता है, तब प्रियता प्राप्त होती है। अनुकूलता में रहना पड़ता है, उसके सुख में अपना सुख, चाहे जो हो जाए उनको जो है, क्योंकि ये गीत है ना, वो जो तुमको हो पसंद वही तुम दिन को कहो रात तो हम, ये प्रियता है। बिना इसके प्रियता नहीं प्राप्त होगी, हमारे वाली भी होगी, अब सब आपे की होगी तो हमार क्या होगी, थोड़ा अपनों कह लो भैया, तो प्रियता नहीं मिलेगी, अलग हो जाएंगे। प्रियता कैसी? जल जैसी, पानी जैसी। और जिस आदमी के जीवन में ये नहीं है, वो आदमी रहते हुए न के समान है। प्रियता प्राप्त करने में सब कुछ समर्पण करना पड़ता है। अब आप अनुभव करिएगा, जिसने ऐसा किया वो हो गया, परमात्मा का वही प्रिय हुआ जिसने परमात्मा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना नहीं रखा।
ऐसा रिश्ता आप सुने नहीं होंगे, मेरे बाबा का प्रभु से कौन सा रिश्ता है। सेवक स्वामी सखासिय पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और मित्र भी हैं। कौन? शिव बाबा मेरे रघुनाथ जी के। मेरे रघुनाथ जी इनकी पूजा करते हैं, शिव बाबा इनका स्मरण करते हैं। ऐसी ऐक्यता, ऐसा अर्पण। श्री हनुमान जी महाराज, अपना कुछ है ये नहीं। रावण ने पूछा ना कि वानर अभी बांधने पर भी तुझे लज्जा नहीं आती है? हनुमान जी महाराज ऐसे खड़े थे, बोले ना बांधो चाहे लंगड़ियाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। तू मेरे को क्या बांधेगा? मैं तो बध इसलिए गया हूं कि तुम्हारे पास आना था, नहीं तो कौन बांधेगा। देवनयान करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी को कौन बांधेगा? लेकिन आप सभी लोगों को स्मरण होगा, हनुमान जी को न कोई पद चाहिए, न कद चाहिए, न मद चाहिए, न कोई हद चाहिए। फिर राम काज, राम काज लगी तब अवतारा। जिसको भगवान का काम करना है वो केवल राम प्रेम बना के रखे साथ। अरे महाराज, जगत का काम करें कि राम काम करें? जगत का काम भी राम काज है। जाम काज मान के ही जगत का काम। व्यापार भी किस लिए? राम जी के लिए। अपने लिए नहीं करना है, राम जी के लिए। संपत्ति सब रघुपति के आई। श्री हनुमान जी इसलिए जगत पूज्य हो गए। शायद कोई ऐसा गांव नगर हो जहां शिवाला न हो और हनुमान जी का शाल न है, कहीं जहां हनुमान मंदिर नहीं हो। आप एक घुसिया में सौ उठे होगा हनुमान जी का मंदिर। और ठीक यही भाव भक्त राज केवट का दर्शन करिए। प्रिय, प्रियता अर्पण से मन के किसी कोने में भी लोभ वृत्ति रही तो प्रियता प्राप्त नहीं होगी। चाहे जो सोच लो, प्रियता प्राप्त करने के लिए निर्लोभ होना पड़ेगा। कोने में चाहत रख के आग चना गुरु मात दये ते लये, तुम चाबि हबे नहीं दीने श्याम कही मुस्काई सुदामा। चोरी की बानी में हूं जू प्रवीने, गांठरी कांखिम चापी रहे हो तुम खोलत नाही। सुधारस भी ने पाछिली बानी अजौनत जी तुम, तैसे ये भाभी के तंदुल की ने। यार बड़े लगड़िया बाजो, बचपन से अब तक तुम चोरी करते रहे, अभी भी नहीं सुधरे, अब तो बुढ़ापा आ गई, छोड़ो ना, आदत छूटत नहीं। सा भगवान ने विनोद किया, वही विनोद मेरे सरकार का केवट के साथ है। दर्शन करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।